बहनों, शाम अपने शबाब पर है, हर किसी की नजर इस गुलाब पर है और मेरा ध्यान इस माहौल को महकाती हुई कपिल की जुराब पर है। शुक्रिया। ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आज मेरे साथ दो दो यंग गुड लुकिंग लड़के आईटीआई अवार्ड्स होस्ट कर रहे हैं, लेकिन रोमांस का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है यार। अरे ऐसी बात, माहौल को भी रोमांटिक बना देते हैं भाई साहब। वाह वाह, तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? नो नो, रागनी प्रपोज तो मैं अभी कर दूं, लेकिन डर लगता है अगर तुम सच में मान गई तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कि नहीं, बस पता चल गया तुम्हारा बस का रोमांस नहीं है। तुम्हें किसी चीज से डर भी लगता है कि नहीं, या हंसते रहते हो हंसाते रहते हो सबको? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा, I'm unmarried। तुम हर बार हाउसवाइफ पर ही क्यों ताने मारते हो? अरे हाउसवाइफ, मैं हमेशा जिंदगी में मैंने लाचार लोगों का साथ दिया है और मुझे लगता पति से ज्यादा कोई लाचार होता है। रागनी, तुम क्या समझो, किसी की पति होती तुम्हें पता होता। तुम शायद जानते नहीं कि इस दुनिया में कुमुद और अक्षरा जैसी सुंदर संस्कारी पत्नियां भी हैं। तुमने दो अच्छी लड़कियों के नाम गिनाए, मैं तुम्हें 15 खराब लड़कियों के नाम गिना सकता हूँ। आज तो तुम अपने आप को बहुत खुश किस्मत महसूस कर रहे होगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिन जिन लोगों से मैं आज मिला हूँ, टेलीविजन का सबसे बड़ा और सबसे पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहा हूँ, और शायद इससे ज्यादा इस बात की खुशी होगी कि मैं तुम्हारी को होस्ट हूँ। यार, कॉमेडी के पैसे उसे नहीं दे रहे? मैं भी अच्छी कॉमेडी कर लेती हूँ। सॉरी रागिनी, तुम्हें तो अवार्ड मिला नहीं, तुम नॉमिनेट भी नहीं हुई। यार, मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करती हूँ। वाह, आई लाइक योर स्पिरिट यार, काश हर एक्टर ऐसा सोचता। अरे पूरी बात तो सुन लो, मैं अवार्ड के लिए नहीं, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ। तुम ऐसी कॉमेडी पहले कर देती तो नॉमिनेट ही कर देते तुम्हें। इंडस्ट्री में फीमेल कॉमेडियंस की काफी कमी है, नहीं? वो इसलिए क्योंकि एक भारतीय ही सब पे भारी पड़ जाती है, फीमेल कॉमेडियंस पे भी और मेल कॉमेडियंस पे भी। एब्सोल्युटली, देखते हैं कौन कौन से मेल कॉमेडियंस हैं भारती से अपनी जान बचा पाए हैं फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। और इस अवार्ड को देने के लिए हम स्टेज पर इन्वाइट करना चाहेंगे दिलीप जोशी एंड दिशा वखानी को। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी है, हाँ भैया आप राइट यार, कपिल शर्मा। थैंक्स आईटीए जिन्होंने इस काबिल समझा, और उतने ही काबिल लोगों से अवार्ड मुझे दिलवाया भी, थैंक यू सो मच। ये जो शो देखते हैं आप, एक लाफ्टर आया और हंसी आई और निकल गया, लेकिन उसके पीछे कितने सारे लोग काम करते हैं, मेरी सारी टीम। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग सब आओ, बिकॉज आप सब लोग डिजर्व करते हो ये अवार्ड। इन सबके लिए जोरदार तालियां, अगर ये सब ना होते तो शायद ये शो आज ना होता। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मेरी माँ को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, अगर वो ना होती तो शायद ये शो शुरू ही ना होता। टीवी में आकर सब कलाकारों की परफॉर्मेंस जो होती है सुधर जाती है। आप मल्लिका शरावत को देख सकते हैं, एक्टिंग कर रही है वो भी रियलिटी शो में। हालांकि मैं उनका बड़ा फैन हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मल्लिका जी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे, मतलब जो भी है आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन, उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। Really? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं एंटरटेन ज्यादा करते हैं, बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना, हमें क्या बता रहा है। अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं, कई कईयों को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, जान से देखिए ये खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे? नहीं तुम्हें इतना थैंक्स कर रहे, इतनी तारीफ कर रहे, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम सीरियल्स में काम करो? मैंने बहुत सोचा। हाँ, रागिनी, फिर हार के मैंने फैसला किया कि मैं नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? यार छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़के मम्मी पापा बने घूम रहे होते, तुम्हारी जैसी उम्र की लड़कियां 22 साल की उनकी अपनी लड़कियां होती हैं, तुम्हारी से भी छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को दादी बना देते हैं, और दादी भी ऐसी फैंटास्टिक दादी बनाएंगे ना, यहां से 3 लटे निकालेंगे इसकी व्हाइट वाली, वो क्या सिर्फ साइड से ही दादी हुई, इधर से मम्मी है। पति पत्नी ना जब
एक ही बीवी के साथ आप पूरी उम्र निकाल दो ना तो शक्लें मिलने लगती हैं। मुझे नहीं पता था ये चीज टीवी वालों पे भी लागू होती है। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। कितने साल हो वैसे बाबूजी आपकी शादी को? 12 साल हो चुके हैं। चलिए परमात्मा करे 25 साल 50 साल बाद भी ऐसा ही प्यार बना रहे। Thank और you. यही प्यार है जो आपसे ये सब कुछ करवाता है। यस यस। बाबा साहब आपकी असली शादी हुए कितने साल हुए? 13-14 साल हो गए। 13-14? 14 पक्का? 14 अभी पक्का। 14 साल हुए। तो कितनी साल की उम्र में शादी हुई थी? ये समझिए 20। कहाँ है आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी? कहाँ है वो? वहाँ बैठिए। अरे ये बताएंगे, एक सेकंड आप मत बोलिएगा। कितने साल हुए ऐसे बता दो मुझे आप, कितने हुए? सही 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 बताना। चलिए अच्छी बात है, ये चीजें याद भी कोई नहीं रखना चाहता एक्चुअली। कोई बात नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं आपका अपना ही है, जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। बाय आशिका, आई लव यू सो मच। बाय। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो